टीवी सितारों के साथ साथ कई नामी हस्तियां मौजूद रही। द्रौपद महोत्सव में लोगों को क्लासिकल म्यूजिक और भरतनाट्यम को याद दिलाने और उनकी महत्वता को बताया गया। साथ ही स्टेज पर एक से बढ़कर एक क्लासिकल म्यूजिक सुनने को मिला। तो वहीं यहां पर भारी जन सैलाब नजर आया द्रौपद महोत्सव में। वहीं इस खास मौके पर पहुंचे लोगों ने क्या कुछ कहना था। पहले पूरा नाम लूंगी, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी, लेकिन मेरे लिए वो बच्चे जैसे हैं, क्योंकि मथुरा से हैं वो, मैं भी मथुरा में ससुराल है। इनके जो पिता हैं वो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, हवेली संगीत। और मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है जितना मुझे याद है कि मैं जब आज से करीब यहाँ मुंबई आने के पहले आकाशवाणी मथुरा में जब अनाउंसर थी मैं, तब हवेली संगीत के जो बड़े बड़े गायक थे उसमें पंडित जी का, पिताजी का नाम उनके टेप बजाते थे हम, और ये उनके पुत्र हैं। इनको भी यहाँ बहुत साल हो गए, पहली बार यहाँ मिली मैं। मेरे बेटा सिद्धार्थ नागर अभी फिल्म बन रहा है, सीरियल लगातार बनाता है, उनके साथ काम किया। उन्होंने सूरदास एक सीरियल था और एक और था, तो तब मैं पहली बार आए थे। अब मेरी बहुत मुंबई में तो बरसों दिन के समान होते हैं, तो बरसों बाद हुए, बहुत ये सुन के बहुत प्रसन्नता हुई कि इन वर्षों में इन्होंने बहुत प्रगति की। बहुत अब जो अपना थी वो क्षमता होती है तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। अगर वो गुण होते हैं तो उनमें गुण थे, आगे बढ़ते हैं। अवसर मिला इतना आगे बढ़ के आए सुखदेव, तो बहुत प्रसन्नता है। और बड़े प्रेम से आग्रह पूर्वक मुझे आने के लिए कहा, मुझे बुलवाया घर से। मैं आना अपना व्यस्त थी अपने उपन्यास में, लेकिन बुलाया बड़े प्रेम से, उन्होंने कहा जरूर आना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि और प्रशस्त होता रहे मार्ग इनका, आगे बढ़े। और ये जो इनका उद्देश्य उन्होंने बताया मुझे कि जो ध्रुपद पर ये जो इनका महोत्सव कर रहे हैं, तो ध्रुपद जो होता है जो पूरी शास्त्रीय संगीत का, शास्त्रीय संगीत का एक जिसे कहते हैं ना क्लासिकल म्यूजिक, से तो मैं बहुत अरसे से जुड़ी हूँ और उसकी सेवा में ही हूँ। और वो हमारे देश का एक ऐसा सूत्र कहना चाहिए संगीत का है कि अगर हमारे देश को जानना है, अगर हमारे संगीत को जानना है, तो आपको शास्त्रीय संगीत के पास ही आना पड़ेगा। बीच में बैठ के उनकी कला का हम ज्ञान लें। जैसे कि आप जानते होंगे ध्रुपद हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना ज्वेल है जो आज भी जीवित है। बट आप देखेंगे तो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज अलाइव फ्रॉम एंशिएंट इंडिया म्यूजिकल, जो इंडिया का बोलते थे हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल इंडिया, उसका आज भी जो जीता जागता निशाना है वो है ध्रुपद संगीत। तो इट्स अ ऑनर हम ध्रुपद सुन रहे हैं, और ध्रुपद एक संगीत नहीं एक आराधना है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा एक सपना था जो पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे थे कि ये जो उठती हुई गायब होती हुई अपनी चीज़ है उसको हम लोग आगे कैरी ऑन कर पाएँ। तो आज इन लोगों जैसे लोगों की वजह से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। वो सब बड़ा शुभ ही है और बड़ा बहुत बड़े पैमाने पर हमारे सुखदेव चतुर्वेदी जी ने किया है, जो आज इंडिया के नंबर 1 ध्रुपद गायक ऐसे गायक को अभी सुनने को सौभाग्य ही होता है जब ये ऐसे गायक को सुनने का। बहुत एक्साइटेड है कि इस तरह से जो ये प्रोग्राम होते हैं ये आपको एक स्वर्णिम अनुभव देते हैं। आजकल इस तरह के कार्यक्रम आपको बहुत रेयरली देखने मिलते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ने का हूँ। और ये बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि यहाँ 2 दिन का जो महोत्सव पर समारोह हुआ, ये इसमें हम सुखदेव चतुर्वेदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में जो वेस्ट टून कल्चर सेंटर जिनके सहयोग से और एस्कॉन टेम्पल का ये विशेष सहयोग जिसके द्वारा जो यहाँ की लोकल हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था की गई और यहाँ जो ये व्यवस्था की गई है, ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। 2 दिन के इस समारोह में बहुत अलग अलग कलाकार जो अपना सफल ध्रुपद इज ऑलमोस्ट मिसिंग फ्रॉम द इंडियन सिनेरियो एंड इट्स वेरी वेरी सैड बिकॉज दिस इज द टफेस्ट एंड द मोस्ट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट पंडित सुखदेव सर इज अगेन रिवाइविंग इट एंड ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब कंडक्टिंग दिस होल सेरेमनी ऑफ ध्रुपद एंड आई एम रियली वेरी वेरी क्लासिकल डांसर है। ये डांस और जरूर देखने आए हैं, इसलिए देखने आए हैं कि आप जिस कला
वहाँ से मैं जुड़ी हूँ, वो भी बहुत पुरातन है। तो वैसे ही दुपट हमारे बहुत पुराना परंपरा है और इसको हरे कृष्णा ने और वहाँ के आई थिंक बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि ये द्रुपद का जो महोत्सव यहाँ पर इस्कॉन में आज हो रहा है। और खुशी इसलिए है कि द्रुपद और धमार ये जो गायकी है ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली आ रही है। हमारे पास बहुत ही कम ऐसे सिंगर्स हैं जो अब द्रुपद और धमार गाते हैं। और एक्चुअली सब पूछो तो आज की युवा पीढ़ी को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ऑडियंस आई है और द्रुपद धमार का जो महोत्सव है वो काफ़ी सक्सेसफुल होने जा रहा है। और अभी मैंने सुखदेव जी का गाना द्रुपद सुना है, बहुत अच्छा गाया है उन्होंने और मेघराग जो है बड़ा जमा है और उनके साथ संगत भी पखावज की बहुत अच्छी रही। मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही कम होते हैं, ये साल में शायद एकाधिक कहीं प्रोग्राम होते हैं। तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से डेफिनेटली प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम बाकी के संगीत को बहुत ऊपर ले आ रहे हैं धीरे धीरे। जो हमारी दूसरी गायकियाँ हैं जैसे ख्याल है, ठुमरी है, टप्पा है, दादरा है, मैं समझता हूँ द्रुपद और धमार जो हमारे हिंदुस्तान की बिल्कुल मतलब फर्स्ट बहुत ही प्राचीन गायकी है, इसको अभी बहुत आगे लाना चाहिए। सालों से जानती हूँ, बहुत सालों पहले सीखा भी था उनसे। मैं कथक नृत्यांगना हूँ सबसे पहले और फिर अभिनेत्री हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ध्रुपद